आखिरकार ये तीनों देवियां राजी हुई हैं जब ये तीनों देवियां राजी हुई और भिखारिन बन के गईं तो तुरंत अनसुईया ने पहचान लिया कि तीन परियां में या तीन जनी और आई हैं। जाको मतलब समझ में आई है। अनसुईया जी ने कहा कि भिक्षा तुम्हें भी किसी कंडीशन में चाहिए क्या है? तुम्हें भी किसी कंडीशन में भिक्षा चाहिए क्या? सोई तीनों देवी चरणों में गिर पड़ी, बोले नहीं नहीं नहीं, क्षमा करिए क्षमा करिए, मैं क्षमा चाहती हूं। बोले अब हमारे पति देव को लौटा दीजिए यदि तुमने क्षमा किया है तो। बोले ले जाओ, हमने कब मना किया, ले जाओ। तो बोले ऐसे कैसे ले जाए, तीनों कोई पहचान भी नहीं आ रहा, कौन सी को कौन सो है, हैं? ऐसे कैसे ले जाए, हमारे तो जैसे अतकाए वैसे कर दो। तब अनसुईया जी ने कहा कर तो दें लेकिन एक वचन दो, आज के बाद किसी ऊंचे उठते हुए आगे बढ़ते हुए किसी व्यक्ति को देख करके कभी जलोगी नहीं और उसके साथ ऐसा करोगी नहीं तो मैं तुम्हारा सुकून तुम्हें लौटा दूं। बोले कान पकड़ रही हैं हम, अब ऐसा हम कभी नहीं करेंगे। और अनसुईया ने भी तीनों को एक हाथ में जल लेकर के कहा कि मैंने अपने जीवन में जब से मैंने शुद्ध संवारी है यदि गलत निगाह से किसी को देखा न हो किसी भी पुरुष को तो ये तीनों के तीनों जैसे आए काए वैसे ही हो जाएं। सो तीनों ठाड़े है गए। अनसुईया तीनों देवियों को क्षमा करती हैं लेकिन मुझे यहां एक बात कहनी है आप सबसे। ये जो तीनों देवियां हैं ना ये आकर के और अपने पति देवों से कहती हैं कि माता अनसुईया को कुछ प्रदान करिए, इन्होंने बड़ी कृपा करी है। तब तीनों उन्हें वरदान दे करके गए अनसुईया को और ऐसा वरदान दे के गए कि अनसुईया के फिर तीन ऐसे पुत्र पैदा हुए, पहले दत्तात्रेय, दूसरे दुर्वासा, तीसरे चंद्रमा नाम के मुनि। भैया इसके बाद में मनुजी महाराज के जो दो पुत्र हैं, हाँ तीन पुत्रियां थी ना, आकुति, देवहूति और प्रसूति। प्रसूति जो थी उनका विवाह हुआ दक्ष के साथ में और प्रसूति और दक्ष के 16 कन्या जो थी उनमें सबसे छोटी थी सती, जिनका विवाह देवों के देव, बोलो देवों के देव महादेव जी के साथ में हुआ। महादेव जी ये भोले भंडारी हैं, विरक्त हैं, अवधूत हैं, सन्यासियों के इष्ट हैं और ये जब किसी पर कृपा करते हैं तो यदि नेकौ विरक्त हो तो सन्यासी बना देते हैं और यदि विरक्त नहीं है तो फिर संसारी बना देते हैं, सारे भोग वैभव विलास जो चाहिए। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे मिलहिन कोटि जोग जप साधे, मिलहिन कोटि
जोग जप साधे इच्छित फल विनु शिव अवराधे। अब जो है सती के साथ विवाह हुआ, लेकिन इन दोनों में बनती नहीं है, क्योंकि सती जो है बुद्धिमान की बेटी है और शंकर भगवान विश्वास स्वरूप हैं, और बुद्धि में और विश्वास में ज्यादातर बनती नहीं है। बुद्धि कहती है कि ऐसे कैसे मान लें, और विश्वास कहता है कि बिना विश्वास के काम बनने वाला नहीं है। बुद्धि कहती है ऐसे कैसे विश्वास कर लें, तो इन दोनों में कम बनती है। तो जो बुद्धि है सती, अच्छा एक तो बुद्धि और बहू में घुस जाए संशय, फिर और ज्यादा गड़बड़ हो जाता है। तो सती को कथा सुनाने के लिए जब अगस्त जी के यहां ले गए शंकर भगवान, तो वहां उन्होंने कथा तो प्यार से सुनी नहीं, भाव से सुनी नहीं, केवल शंकर भगवान ने कथा सुनी। और कथा क्या है, संशय विहग उड़ावन हारी, संशय विहग राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर बेटी तो राम कथाई में थी, लेकिन उन्होंने ध्यान से सुनी नहीं, मन से सुनी नहीं, शंकर भगवान ने सुनी। लौट के जब आ रहे थे तो भगवान राम जो है नरलीला कर रहे थे, और उस नरलीला में हुआ क्या, सीता जी खो गईं और ये रुदन कर रहे थे। शंकर भगवान ने देख करके राम जी को नमन किया, जय सच्चिदानंद जग पावन। सती जी बोली, जी काय के सच्चिदानंद है, तुम्हारी बुद्धि ऐसी है, बताओ हैं, ऐसी किसी को भी नमन करने लगते हो। शंकर भगवान ने बहुत समझाया कि ये साधारण पुरुष नहीं है, ये स्वयं भगवान का अवतार है। अरे बोले मैं कैसे मान लूं, चालू हो गया क्या, नहीं हुआ भाई, मशीन आ गई हो तो चालू होना चाहिए, ये बीच वाले चालू हो गए ना भाई, भाई नहीं भाई भाई तो क्या हुआ,
शंकर भगवान ने कह दिया नहीं मान नहीं तो जाओ परीक्षा ले लो। तब सती जी जो है सीता का रूप धारण करके परीक्षा लेने के लिए गई, लेकिन लक्ष्मण जी ने एक नजर में पहचान लिया। जो भगवान का दास होता है ना उसकी नजर बड़ी पैनी होती है। लक्ष्मण दीख उमा कृत बेसा। राम जी ने जाकर के पूछा हे महादेवी महादेव कहाँ है, सारो प्लान चौपट है खो। और बोले अकेली कैसे घूम रही हो, मैं नेक देर के लिए सीता जी अकेली छोड़ गो तो सबरो मामलो गड़बड़ है गो, तुम अकेली कैसे घूम रही हो। सोई घबरा गई कि जिन तो पहचान लिया, अब क्या करें। सारा मामला जो है गड़बड़ हो गया। अब गड़बड़ तो हो गया लेकिन अभी भी गुरु से अपने पति से सांची कह देती तो कोई बात नहीं थी। शंकर भगवान से झूठ और बोल दिया कछु न परीक्षा लीने गोसाई की न प्रणाम तुम्हारी कछु न परीक्षा लीने गोसाई न प्रणाम तुम्हारी शंकर देखे उधरे ध्याना सती जो कीना चरित सब जाना धर ध्याना
सती जो कीन है मरम सब जाना अबद धनी ब मबद निरे निरे सती जी का जब शंकर भगवान ने त्याग कर दिया, क्योंकि एक बात कहना चाहता हूं मैं, उनके जीवन में कभी शांति नहीं आती। जो जिन्हीं की शरण में रहते हैं और उन्हीं से शिकायत करते हैं, उन्हीं से शिकायत और उन्हीं की शरण में, यदि शिकायतें भरी हैं तो शरण में क्यों रह रहे हो? और यदि शरण में रहना ही है तो शिकायतों को क्यों आने दे रहे हो? हाँ, लेकिन सती जी जो दोनों काम कर रही थी इसलिए जल रही हैं। और एक दिन जो है उन्हें अपने मायके में जाकर के जलना ही पड़ा, लेकिन अंतिम समय पर एक अच्छा काम, एक अच्छा विचार आ गया, बस ये गलती मेरी थी, लेकिन मैंने देखी भोले बाबा में, अपराध मेरा था, लेकिन हे परमात्मा अंतिम समय पर श्री हरि से विष्णु भगवान से प्रार्थना करती हैं। उन्होंने जन्म जन्म के लिए भोले बाबा से ही विवाह होने का वरदान मांगा है भगवान से कि प्रभु मुझे जन्म जन्म ये भोले बाबा ही मिले। अगले जन्म में हिमाचल के यहाँ जन्मी है, नारद जी ने उन्हें संभाला है, हस्तरेखा देखी है और कहा कि तुम्हें ऐसा ऐसा पति मिलेगा। पार्वती जी बड़ी खुश हुई, जिन्हें चाहते थे वही मिल रहे हैं। बोले लेकिन तपस्या करनी पड़ेगी। पार्वती जी ने घनघोर तपस्या करी। भोले बाबा ने अपने सप्त ऋषियों को परीक्षा के लिए भेजा कि जाओ देखो पार्वती अभी भी कच्ची है कि पक गई है।
उन्होंने जाकर के प्रस्ताव रखा कि वह नंगे धड़ंगे के लिए तुम क्या तपस्या कर रही हो, अरे इतने तप पर तो हमें तुम्हें विष्णु भगवान से मिला दें। बोलो बात करें, बोले ना। अरे मर जाओगी तप करते करते, वो मिलने वाले नहीं है। बोले कै बेर मर जाएंगे, 100-200 बार, 1000 बार। बोले मेरा निर्णय तो इतना लंबा है, 1 करोड़ जन्म तक मुझे लेने पड़े और तप करना पड़े तब भी वो मिले तो भी मैं तैयार हूं लेने को। शीश दिए यदि गुरु मिले तो भी सस्ता जान। इतना बड़ा त्याग करने के बाद में भी यदि हमें गुरु मिल जाए तो सस्ता ही है। भैया सप्तऋषियों से उन्होंने एक ही बात कही कि जन्म कोटि लग रगर हमारी, वरऊ शंभो नत रहूं कुमारी, वरऊ शंभो नत रहूं कुमारी। ये देवों का देव महादेव बड़ा भोला भाला है। जब पार्वती जी ने तप किया और इनका निर्णय है मीरा की तरह, मीरा कहती है कि अब सारा जमाना हमें बदनाम करे या हमारा नाम करे, हमें कोई परवाह नहीं है, बस हमारा कन्हैया हमें मिल जाए, बाकी दुनिया तो दुनिया है। सारा जमाना, सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। Thank you.
कन्हैया मुझे प्यार करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। Sara Jala
राजा मिया मुझे प्यार करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे, मेरा सावरिया मुझे प्यार करे। सारा जमाना सारा जमाना बदनाम करे, मेरा सांवरिया मुझे प्यार करे, मेरा सांवरिया मुझे प्यार करे। जब भी मैं जाऊं यमुना तट पे, जब भी मैं जाऊं यमुना तट पे, मटकी उठवाने का वो काम करे, सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे, मेरा सांवरिया मुझे प्यार करे। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय, जय श्री राम। अब आगे की चर्चा लंच के बाद होगी, पानी वगैरह पी लो। सूरत पे थारी गिरधारी, thank you.
उत्तानपाद के दो पत्नियां हैं सुनीति और सुरुचि, और ये दो पत्नियां सबके होती हैं, चाहे नर हो चाहे नारी हो, ये सबके हैं। सुमते कुमते सबके उर रहे, सबके जीवन में ये दोनों रहती हैं, सुमति और कुमति। सुमति कहती है कि भैया नीति पे चलो, धर्म पे चलो, भगवान की भक्ति करो, और कुमति सुरुचि कहती है का धरे हो जाए भगवान की भक्ति फक्ति में। ये दोनों भैया अभी जो पहले कथा कर रही थी, यहाँ अभी जो पैसे बांट रहे थे, इनको देख के मुझे याद आया बहुत खर्च करते हैं ये धर्म पर, और जबकि बड़े पसीने की कमाई है। फिरोजाबाद में जो आग की भट्टी जलती है उन्हीं में कांच का काम करते हैं, और उस गहरी पसीने की कमाई को फिर संत में इन्हें पता चल जाए कि कहीं धर्म का काम हो रहा है, वही चले जाते हैं।
तो अलग अलग आदमी को अलग अलग लॉ लग जाती है। किसी को खेत खरीदने की लॉ लग जाती है तो कर्ज ले लेके खेत खरीदता है, ये चुकाते रहेंगे, ले ले ओ, ले के डाल ले ओ। जबकि खेत में बाए बेचारे है 20 मनों गेहूं ना है रे मामू है, लेकिन जो कर्जा लेके जो खेत ले का है बाकी ब्याज देनी पड़ रही है, वो बहुत ज्यादा देनी पड़ रही है। लेकिन सौ को लग गए कि बिक्रो तो ले लो, होगी सो देखी जाएगी। बोले 2 रुपया ही अगर आपकी ब्याज पे पैसा ना मिले तो का करें? बोले 3 की पे तो मिलेंगे। बोले ले लो, पर खेत निकरनो नहीं चाहिए है। उन्हें शौक लग जाता है क्योंकि वो इस नाशवान संसार की संपत्ति में उनका जी अटक गया है और इसे वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें धर्म की कमाई करने का जुनून चढ़ जाता है, हैं? फिर जहां मौका मिल जाए वहीं वो रुकते नहीं है, उनसे रुका नहीं जाता। ऐसा नहीं है कि वो रुकते नहीं है, रुकना चाहे भी तो जब मौका आता है तो रुका नहीं जाता। तो ये है सुमति। जो संसार को बढ़ाना चाहती है वो है कुमति है? मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे अपने जीवन में कि जिनका जीवन भी मुश्किल से चलता है, ज्यादा कमाई नहीं है, और मैं खुद उनके हाथ से पैसे लेना नहीं चाहता हूं, मुझे उन पर खुद तरस आता है। अपना गुजारा ठीक से नहीं है, जब मुझे वो 500 का नोट देते हैं तो मैं उनसे खुद कहता हूं तुम मत दिया करो। तो वो क्या कहते हैं, क्यों आप हमको गरीब समझते हो? मैंने कहा जग का जवाब दूं? बोले हम गरीब नहीं है, गरीब तो वो हैं जो अरबों में खेल रहे हैं लेकिन दिल से वो 10 रुपए दे नहीं सकते, गरीब तो वो है। मैं बहुत अमीर हूं। फिर वो अनेकों प्रमाण दे देंगे, मेरा स्वास्थ्य देखो, मेरी कथाओं का श्रवण देखो, संतों के दर्शन देखो, मेरे पास क्या कमी है, मेरी अमीरी को मैं ही जानता हूं। तो रो पड़ेंगे, अब उनसे कैसे मना करोगे, 500 रुपए लेने पड़ते हैं। और कभी कभी ऐसे भी लोग आते हैं जिनकी पेंशन आ रही है 1-1 लाख रुपया और करोड़ों करोड़ों फिर मिले थे उसमें रिटायरमेंट में, लेकिन वे आएंगे मेरे पास में तो फिर वो 50 को निकालेंगे। अब मुझसे कहे भी ना रहा नहीं जाता, लेकिन शर्म आते आंख ना, मुझे चाहिए नहीं लेकिन मुझे उसकी उस पर याद आता, उस पर आती है कि तेरा दिल कितना कमजोर हो गया है, तेरा दिल कितना कमजोर हो गया। क्या बताऊं मैं आपको, मैंने बड़े बड़े कंगाल देखे हैं अमीरी में और मैंने बड़े बड़े धनवान देखे हैं गरीबी में। बड़ी बड़ी दिल की धन की दौलत है उनके पास में, मैं खुद झुक जाता हूं उनके सामने। बात इस पे चली कि सुमति ये कहती है कि लुटा दे, फिर देखना जो मिलेगा वो कुछ अलग होगा। ये जो पेड़ आपको हरे भरे दिख रहे हैं ना, हरे भरे, ये क्यों हरे भरे हैं? क्योंकि इन्होंने फागुन के महीना में अपने पत्तों को, पुराने पत्तों को धीमे 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 त्याग दिया था। आया ना, यदि इन्होंने उन पत्तों को त्यागा न होता तो आज इनके पास में नए नए पत्ते न होते। भई बने रहते पीरे फीरे से, फटे टूटे से भई बने रहते। इन वृक्षों ने जान लिया है कि यदि हमें मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में हरे भरे रहना है, हैं? तो हमें जो है ना
मार्च में और अप्रैल में एक बार हमें त्याग करना पड़ेगा। मैं जिस नहर में नहाने जाता हूँ, गंगा मैया मानता हूँ मैं उसे, उसमें जो पानी है ना इतना निर्मल है, इतना खुशबू और इतना जड़ी बूटियों से, इतना आनंद से भरा हुआ। अच्छा, वही पानी यदि एक जगह गड्ढा में रोक दिया जाए, बहता न रहे, वो नहर क्या कि मैं नहीं किसी को दूंगी, नहीं खेत वालों को दूंगी, हैं खेत वाले जो मेरे में से वो डाल के क्या कहते हैं, वो पाइप डाल लेते हैं, खेत वाले पाइप डाल लेते हैं, कोई ट्रॉली रख लेते हैं, किसी को नहीं दूंगी, तो फिर नहर नहर रह जाएगी। हैं फिर जो 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 गांव को जो तालाब होता है ना, जो सड़ जा चुका है बाँ में पी नहावो तो दूर, उंगली बोरने का भी मन नहीं करता, वैसा हो जाएगा। तो ऐसे ही अमीरी के जो कंगाल हैं, उनके घर में घुसने का मन नहीं होता आदमी का, क्योंकि वहां सड़ान पैदा हो गई है, रुका पानी है, रुका धन है, रुकी मानसिकता है। लेकिन जो बह रहे हैं, धारा में जो बह रहा है धन, जोगी पानी, ये थोड़ा बहता रहे, खर्च होता रहे, तो ये हमेशा शुद्ध बना रहता है, ताजी बना रहता है, हैं? और यदि इसे रोकने की कोशिश की गई, तो ऐसी सड़ान पैदा होती है कि नहाना तो दूर, तो उसमें उंगली बोरना मुश्किल हो जाता है। तो सुमते कुमते सबके उर रहे। कुमति क्या कहती है? कुमति कुमति कहती है, अभी ये जो मेरे ऊपर जो माला चढ़ाने जाते हैं ना, इनकी भीड़ में लिपटे लिपटाए के जो ऐसे भी आते हैं कि न माला न फूल न पैसा, चुपचाप आए न फोटो खिंच गए, बात बन गई। इनमें कंगाल हैं, भीतर के मन के कंगाल हैं। ऐसा नहीं है कि वो उनके पास है नहीं है, पर वो सोचते हैं क्या खर्च करना, फोटो तो हो ही जाएगा, अब व्यासपीठ पे बैठे हैं वो टूकेंगे थोड़ी के पैसा चोना चढ़ा रहो, है टूकेंगे थोड़ी, और फिर भी खड़े और रहते हैं, कैमरा वाले इशारा करेंगे खिंचगो के ना, है फिर कैमरा वालों के खिंचगो, बोले ठीक है, फिर वो फेसबुक पे जाकर के खोज लेते हैं। ये कंगाल लोग हैं, बुद्धि के नहीं, ये मानसिकता इनकी जो है ना कंगाल हो गई है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें कैमरे से भी लेना देना नहीं है, हैं? वो तो केवल ये चाहते हैं कि महापुरुषों की नजर पड़ जाए, कृपा हो जाए, हैं? बस हम पर, और हमारा कुछ लग जाए उनके निमित्त, हैं? ऐसे में है ना कुछ ऐसा संगीत की पंक्तियां होनी चाहिए जो ऐसे इसी धारा में बहे, तबला ना हो, साथ इसी धारा में बहे और इस प्रसंगों से जुड़ती हुई रहा करें तो और आनंद आए। उसे बीच में गुनगुना लो, सुमते कुमते सबके उर रहे, वेद पुराण सुमृते असिक है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना, सुमति कुमति सबके उर रहे, वेद पुराण। ये जो दो बच्चे अभी पैसे दे रहे थे, इनकी जब कथा करी थी मैंने, तो मैंने एक बात देखी, क्या
ये खर्च तो बहुत करते ही हैं, इसका मतलब है कि सुमति निवास करती है। सुमति निवास करती है, इसकी पहचान क्या है? सुमति जिसके घर में निवास करती है उसमें और कुछ हो या न हो लेकिन आपस में प्रेम बहुत होता है, ये सुमति की पहचान है। जब इनकी कथा करी थी तो मैंने देखा ये दोनों भैयाओं में इतना प्यार, कलयुग में हैं बाप से प्यार नहीं करता इंसान, हैं दोनों भाइयों में इतना प्यार, एक ही पत्तल पे खाएं, एक ही साथ रहें, एक ही साथ नौकरी जाएं, तो वो सुमति है। जहां होगी हैं वहां प्यार की संपत्ति होगी, वहां प्रेम की संपत्ति होगी। और देखो कुटिया में रहे व्यक्ति लेकिन उस कुटिया में प्रेम से लबालब भरी हो कुटिया, तो धनवानों की जो जो कोठियां हैं वो कुटिया पर निछावर हो जाती है। सदा ऊंचे कंगूरों से मोहब्बत दूर रहती है, सदा ऊंचे कंगूरों से मोहब्बत दूर रहती है और गरीबों की झोपड़ियों में सदा भरपूर रहती है।